नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो इसका पार्ट होगा, पार्ट नंबर 12 होगा। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। जेम्स अगस्त हिकी द्वारा प्रकाशित किया गया द बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ था। भारत से प्रकाशित होना पहला अखबार था। गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट 1816 ईस्वी में छपा था। किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया पहला अखबार था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। इस समाचार पत्र के खिलाफ लिंटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। 1868 में शिशिर कुमार घोष द्वारा मोतीलाल घोष द्वारा बंगाली भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया। आगे चलकर लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाने लगा। भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जुग्गल किशोर द्वारा प्रकाशित उदंत मर्तंड 1826 में था। यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने की थी। केशव चंद्र सेन इसके संपादकीय विभाग थे। प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम बिलेजली ने 1799 में लगाया था। लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसे कैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र एवं पत्रिकाएँ संपादक लेखक संवाद कौमुदी मीरात उल अखबार राजा मोहन राय के द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया राप्त गुप्तार ये दादा भाई नौरोजी का था। सत्य प्रकाश दयानंद सरस्वती का था। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के था। अनंतमंड और देवकी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का था। नील दर्पण दीनबंधु का था। अद्भुत लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय का था। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन का था। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का था। केसरी मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में। गीता रहस्य यह बाल गंगाधर तिलक का है। कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली का था। और कर्मयोगी वंदे मातरम सवित्री द लाइफ डिवाइन न्यू लेप्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष का था। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले का था। बहिष्कृत भारत मराठी में मूक नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। ए नेशन इन मेकिंग द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। कॉमन व्हील न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का था। अनहैप्पी इंडिया पीपुल पंजाबी वंदे मातरम लाल लाजपत राय का था। यंग इंडिया हरजन नवजीवन हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट इज ट्रूथ महात्मा गांधी का था। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अल बिलाल अब्दुल कलाम आजाद का था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किल्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड मिस्ट्री मेरी कहानी नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू का था। इंडिया फॉर इंडियन चितरंजन दास का था। हेट फॉर सेल कल्चर लाला हरदयाल का था। इंडियन अनेस्ट वैलेंटाइन सिरोल के था। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर के था। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया के था। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का था। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का था। द रिवोल्यूशनरी बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल का था। दी हिंदू पेट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी का था। द हिंदू जीएस अय्यर एवं बी राघवाचारी का था। इंडियन सोशलिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा का था। युगांतर
बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त का था। काल पराजयपेय था और भारत श्रमजीवी शशि पद बनर्जी का था। फिलोसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा का था। दो सोशलिस्ट श्रीपाद अमृत डांगे का था। भवानी मंदिर रविंद्र कुमार घोष का था। भारत माता अजीत सिंह का था। वंदे मातरम मैडम कामा का था। संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र का था। उसके बाद द इंडियन मुसलमान WW हंटर का था। वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण का था। और इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC दत्त का था। तजीबुल अखलाक सैयद अहमद खां का था। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन विलियम जोन्स ने 1884 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसने भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। चार्ल्स बिलिंग्स ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा विलियम जोन्स ने अभियान संकुतलम नाटक एवं ऋतु संहार का अंग्रेजी में रूपांतरण किया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नवजागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक तथा भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने फारसी में एक पुस्तक तोहफात उल मुहद्दीन एकेश्वरवादियों को उपहार लिखी, जिसमें उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। 1820 में इन्होंने प्रिंसेप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक अवंडरों का विरोध किया। धार्मिक आधार पर विभेद करने वाले 1827 के जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी तथा इन्हीं प्रयासों के बदौलत 1829 में विलियम बैंडिंग ने सती प्रथा को प्रतिबंध करने के लिए कानून का निर्माण किया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे कालांतर में ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाने लगा। 1843 में देवेंद्र टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। 1862 में केशव चंद्र सेन को बाह्य समाज का आचार्य नियुक्त किया गया। इनके प्रयासों से इस संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। 1865 में ब्रह्म समाज का आदि ब्रह्म समाज का भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। देवेंद्र टैगोर से जुड़े महत्व समूह आदि ब्रह्म समाज से तथा केशव चंद्र सेन वाले गुट भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हो गया तथा आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में की गई। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, जाति तथा प्रथा आदि का विरोध किया था तथा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किए गए विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भागीदारी की। शिकागो से लौटने के पश्चात 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। समाज सुधारक आंदोलन से जुड़े अन्य तथ्य, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज़ उठाई। अंत 1856 में इसके पक्ष में अधिनियम बनवाने में सफल रहे। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1849 में कलकत्ता में बेनूथ स्कूल की स्थापना की। सन 1851 में ज्योतिबा फूले एवं उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले ने पूना में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका विद्यालय की स्थापना की। DK कर्वे के गुणे में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1916 में भी स्थापित किया। भारत ने 1886 में अडयार मद्रास के निकट में थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। एनी बेसेंट का 1893 में भारत आगमन हुआ और 1907 में ये थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी।
1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। 1875 में मैडम बालातस्की तथा कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में थियोपिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खां द्वारा मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वास को दूर करने के हेतु चलाया गया आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस की स्थापना का विरोध करने के उद्देश्य से इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। देवबंद आंदोलन 1866 में हुआ था। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोरी द्वारा की गई थी। यह अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था। इसमें अंग्रेजी शिक्षा तथा पश्चात संस्कृति के प्रभाव से मुस्लिम समाज को मुक्त कर रखने का प्रयास किया गया है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद जय भारत।